हेलो गाइस, कैसे आप सारे। मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर मैक। और आज की जो वीडियो है वो आपके एमसीओ 4 की है, जिसमें मैंने जो है आपके सामने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है लिस्ट लाया हूँ। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पॉर्टेंट है। हालांकि मैं चाहता तो इसका आंसर भी जो है साथ साथ लिख सकता था, बट इसमें टाइम ज़्यादा लगता और आपका एग्ज़ाम जो है निकल जाता, क्योंकि आपके पास 1 वीक का ही टाइम होगा अगर आज से हम काउंट करें, या 5 to 6 days होगा। तो इस 5 to 6 days में अगर मैं वीडियो बनाने लगा प्रॉपर आंसर, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं आपको क्वेश्चंस दूं, अगर आपको इसके आंसर नहीं मिलते हैं, तो आप जो है मेरा टेलीग्राम जो है मिस्टर मैक, वहाँ पर जाके जो है आपको इसके सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये मैंने कुछ छाटबीन के कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इतने सारे क्वेश्चन हैं तो ऑब्वियसली इसमें से 5 questions तो कोई भी आ सकते हैं, चाहे वो जून टाइम वाला हो या दिसंबर टाइम वाला हो, वो मैटर नहीं करता। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर से कम 2 या 3 या 4 questions जो है मैंने निकाले हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके हम एक क्वेश्चन का जो है थोड़ा सा हम समझते भी हैं और आपको जो है रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस एनवायरनमेंट एंड डिस्कस इट्स इम्पॉर्टेंस इन बिजनेस। सबसे पहले आपको ये बताना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो बिजनेस को जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। तो ये आपके जैसे कि 2 types के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो बिजनेस के अंदर ही, जैसे उनका गोल हुआ, उनका रिसोर्सेज हुआ, किस तरीके से उन्हें काम कराना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरनल होती है, और एक्सटर्नल वो होती है जो एक तरीके से बिजनेस आउटसाइड है, यानी बिजनेस के अंदर नहीं, बिजनेस के आउटसाइडर जो होता है, जैसे पॉलिटिक्स हो गया, सोशल कल्चर हो गया, ये सारी चीज़ें जो है बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करती है। तो प्लीज़ आपको ये आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा, या आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि भाई आपको जिसका अगर इंडिविजुअल चाहिए उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो साथ साथ आपके इसको इम्पोर्टेंस भी बताना है, और सीधी सी बात है इसके इम्पोर्टेंस भी है, ताकि आप जैसे अगर बिजनेस में अगर इन्वायरमेंट का अगर इफेक्ट नहीं होगा तो बिजनेस में चेंजेस लाना जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे आपका इन्वायरमेंट या कल्चर जैसे जैसे आपका ग्रो करता जाएगा, आपके बिजनेस को भी उसी तरीके से ग्रो करना है, क्योंकि देखा जाता है मार्केट में डिमांड क्या होती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हो। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। अब माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट अगर आपने पढ़ा हो तो फर्स्ट ईयर में एमकॉम में आपने पढ़ा था, तो आप वहाँ से ज़रूर देख सकते हैं, वही सारी चीज़ें आपने लिखनी है। और इंटरनल एक्सटर्नल मैंने भी अभी आपको बताया है, तो उसको एक बार पढ़ लेना। एक्सप्लेन ब्रीफली मेजर कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। यानी आपको जो है ये बताना है वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो बिजनेस को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। तो जिसमें अगर आप बिजनेस को इम्पैक्ट करने वाला जो है वो तो सबसे पहले आपका कस्टमर होता है, ठीक है, फिर कॉम्पिटिटर होता है, और मार्केटिंग इंटरमीडिएट या सप्लायर एंड वर्कर एंड यूनियन, ये सारे चीज़ें जो है वो इम्पैक्ट करते हैं बिजनेस, ठीक है ना, बिजनेस को। तो ये आप इसमें जवाब लिख सकते हैं, और अगर ना हो तो ऑब्वियसली वही आंसर आपको मिल जाएगा जहाँ आपको जाना है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है, लिस्ट आउट दी क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ सोशल कल्चर एनवायरनमेंट। अब सोशल कल्चर के बारे में बताना है कि सोशल कल्चर में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, और उनकी एक लिस्ट देनी है आपने। तो आपको ये जो है सोशल कल्चर के चैप्टर से मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं होगी। 2nd chapter है सोशल कल्चर एनवायरनमेंट, तो वहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। तो सोशल कल्चर एनवायरनमेंट में अगर आप सिंपल सी बात करें, ये भी जो है बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, और हम पढ़ ही रहे हैं जो कि क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। तो सोशल कल्चर जो है हर एक कंट्रीज़ के अलग अलग होते हैं, ये तो हमें पता है। उसी के अकॉर्डिंग जो है बिजनेस के अकॉर्डिंग रिसर्च किया जाता है कि किस चीज़ की डिमांड मार्केट में है उन कंट्रीज़ में। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में अगर मैं कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करेगा तो ऑब्वियसली उसको ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन अगर फूड्स की डिमांड में अगर देखा जाए तो ये 2 की डिमांड है ज़्यादा, और वेजिटेरियंस लोग की तो ज़्यादा होती है। तो इस अकॉर्डिंग जो है वो इस तरीके से प्लान करेगा कि उसे फूड इस तरीके से लॉन्च करना है कि इसमें आपका नॉन वेज का भी काम हो जाए और वेजिटेरियन वालों का भी काम हो जाए,
वरना उनका चल नहीं पाएगा। ये हो गया। फिफ्थ आपको है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट इन इंडिया एंड देयर रिलीवेंस टू बिजनेस। तो आपको ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ये दोनों को ध्यान दे रहे हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये दोनों का मतलब क्या है एक तरीके से देखा जाए। तो हमें साइज की, यानी अगर मैं क्वांटिटेटिव की बात करूं तो ये भी देखना होता है कि पॉपुलेशन के रिगार्डिंग जो है साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ये क्वांटिटेटिव के अकॉर्डिंग किसी कंट्री के डिफाइंड करता है, ठीक है। एंड क्वालिटेटिव का मतलब अभी मैंने आपको बताया, जैसे इंडिया की कंट्री में किस चीज़ की मार्केट, यानी कैसे लोग रहते हैं और उनको क्या चॉइसेस भी होती है, तो उनकी क्वालिटेटिव में आता है। तो आपको इसके रिगार्डिंग आपको डेमोग्राफी इन्वायरमेंट में बताना है। व्हाट द मीन बाय सोशल अकाउंटिंग एंड एक्सप्लेन इट्स अप्रोच। तो ये भी आपका जो है इसमें बताना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस के चैप्टर से है, यानी ये थर्ड चैप्टर से लिया गया है क्वेश्चन, जिसमें आपको ये बताना है कि व्हाट डू मीन बाय सोशल अकाउंटिंग एंड इसको एक्सप्लेन करना है, इसके अप्रोचेस क्या है। तो आपको ये थर्ड चैप्टर में मिल जाएगा। तो अगर मैं अप्रोचेस की बात करूँ इसमें, तो वैल्यूएशन ऑफ सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट्स, मेजरिंग द वर्थ ऑफ सोशल इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपिंग सोशल इंडिकेटर एंड सोशल गोल, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, ये सारे अप्रोचेस जो हैं आपके सोशल अकाउंटिंग के बात करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि सोशल अकाउंटिंग होता क्या है। तो सोशल अकाउंटिंग एक तरीके से ये होता है कि देखिए, सोशल एंड अकाउंटिंग, हम जो भी काम वगैरह, यानी बिजनेस में जो भी प्रोसेस या काम वगैरह होता है, वो एक तरीके से इस तरीके का बने जो कि बेनिफिशियल भी हो, क्या नाम है, कंपनी के रिगार्डिंग, एंड दूसरा इन्वायरमेंट को जो है अफेक्ट भी ना करे। यानी जैसे अगर हमारा जो है कोई कंपनी है जिसका जो स्मोक है पॉल्यूटेड है, और जो है आसपास के लोगों को जो है एक तरीके से हार्म हो रहा है, या आपका जो है केमिकल के अकॉर्डिंग आपका जो एक इंडस्ट्री है और उसमें से जो भी आपका केमिकल निकल के पानी में जा रहा है और वो पानी को ख़राब कर रहा है, जिस वजह से जो वहाँ के आसपास के लोग जो पानी पी रहे हैं उसे जो है तो अफेक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक तरीके से जो है नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो हमें यही इस चीज़ में देखना है कि सोशल अकाउंटिंग, यानी आप अगर कोई बिजनेस कर रहे थे उसके रिगार्डिंग आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, और उसी के रिगार्डिंग हमें जो है कैलकुलेट करना पड़ता है। सेवन क्वेश्चन है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो इसका मतलब ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के चैप्टर से है, अगर आप पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का चैप्टर निकालोगे तो वहाँ पे आपको ये आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद ब्रीफली एनुमरेट देयर थ्री इम्पॉर्टेंट पॉलिसी मेजर इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अर्ली 1990। तो आपको जो है ये बताना है कि 1991 का भी अगर आप बात करें, तो 1991 से पहले जो है गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसी, तो अगर मैं बताऊं, अगर मोटे मोटे बताऊं तो आपको पता है लाइसेंस वगैरह जो थे वो सारे इम्पैक्ट किए जाए गए थे, ठीक है ना, और किस तरीके से लाइसेंस वगैरह बनाए गए थे, और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को किस तरीके से उनके लिए स्कीम लाया गया था, कॉम्पिटेटिव को कम किया गया था, ये सारी बातें जो हैं 1990 से पहले पहले के थी। और 1991 के बाद एक और पॉलिसी आई, तो उन सब चीज़ों को चेंज किया गया। तो आपको बस यही जवाब देना है कि जो थ्री इम्पॉर्टेंट पॉलिसी थी जो गवर्नमेंट के द्वारा 1990 में लाई गई थी, उससे पहले लाई गई थी, उनको आपको जो है एक्सप्लेन करना है। फिर आपको ये बताना है कि गवर्नमेंट रेगुलेटरी पॉलिसी टिल 1990, अभी मैं उसी की बात कर रहा था, 1991 एंड 1990 की बात कर रहा था, कि इसमें गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी पॉलिसी लाई गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 10 के, हालांकि मैंने और भी हैं इसमें लिख रखे हैं क्वेश्चंस। तो आप जो है तो आपको इस अकॉर्डिंग इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको मिल गया होगा। और अगली जो वीडियो होगी उसमें जो है और 10 क्वेश्चंस को मैं जो है एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरे ख्याल से 2 से 3 वीडियो में आपका जो है ये आसानी से हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और रही बात इसके आंसर में, अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो आप टेलीग्राम पे जाके जो है इसका आंसर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है, और अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो प्लीज़ यार शेयर करें अपने दोस्तों में, और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।